मैं एमए इंग्लिश हूँ, मैं एमए हिंदी हूँ, लॉ हूँ और कहीं कल तो उसको स्टेनोग्राफर हूँ, सभी टाइप का काम करता हूँ। खेती बाड़ी तो मैं करता ही हूँ और काफ़ी स्कूलों में मेरा पढ़ाने का जज्बा और तजर्बा रहा है। तो ये जो संस्था है, ये बच्चों ने, मेरा तो भाषण ऐसा होता खत्म ही नहीं होता, और मैं पठानी जी को बोल रहा था मेरा भाषण पात्र लो कि हॉकी लंबा चौड़ा होता है और उसमें टाइम बहुत लगता है, काफ़ी चीज़ें कवर करनी होती हैं जो अकेडमी से संबंधित आ जाती है। तो जब से ये जहाँ पर अकेडमी बनी है, हम जहाँ अभी एकत्रित कैसे हो गए, इन बच्चों ने हमारे अकेडमी का नाम बढ़ाया है, पूजा किया है। चंबा से है, कोई शिमला से है, कोई ज्वाली से है, कोई नगरोटा सूर्या से आ रहे हैं, अभी नाम सुन रहे थे। यही बच्चे जे जो जहाँ पर आए हैं, सामने आए हैं, इन्होंने ही हमारे को जहाँ बुलाया है, इनकी बदौलत ही हमारे को आज लंच मिल जाएगा, चाय पानी मिल गया, पकौड़ा मिल गया खाने के सभी को। नहीं तो मेरे को लगता है कि ये बच्चे कहीं पहुँचते नहीं, ऊपर जो इनकी इच्छा थी और इनके माता भी इसके साथ इच्छा पूरी हुई है, और इन बच्चों ने तो अपना दिल नहीं छोड़ा, दम नहीं छोड़ा कि देखा जाएगा एक नहीं तो दूसरा से। और इसके पीछे जो हाथ रहा हमारे अकेडमी के कमांडो का रहा, जो अभी अभी एमडी है स्कूल के, तो इनका हाथ रहा है, इन्होंने भी उनको मोटिवेट किया है टेलीफोनिकली कि आप वापस आ जाओ। फिर पेरेंट दुखी हो जाते हैं, छोड़ो क्या करना है, ऐसे ही है, अभी हमारे को भी पता नहीं है अकेडमी में क्या हो रहा है। आज मैंने हकीकत में देखा है, वो ये फर्स्ट टाइम जहाँ पर विशेष गेस्ट बुलाया है, तो मैंने देखा है कि ये बच्चे जो अभी भर्ती हुए आपके सामने हैं, थोड़े भी नहीं हैं, 20 बच्चे, और कुछ तो बच्चे जहाँ पर आए नहीं थे अभी। तो इस ये जो है, इससे पता लगता है कि पब्लिक मैसेज आएगा। मैं तो जे अपना सुनील जी को बताऊंगा कि कभी आगे फंक्शन हो तो नियरेस्ट के काफ़ी लोगों को बुलाया जाए, उनको सामने बताया जाए कि हमारी अकेडमी होता हो गया रहा है। अभी जो अकेडमी है, पहले इतने साल अकेडमी चलाई है, अभी हमारे पास स्कूलों की स्कूल बहुत हैं, हम किस स्कूल के ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं कि स्कूल है 6-6 मंजिला, 8-8 मंजिला स्कूल, बहुत बड़े स्कूल हैं, स्कूलों की कमी नहीं है, हम भी वहीं पढ़े हैं, हम तो सरकारी स्कूलों में पहले पढ़े हैं, बल्कि जहाँ भी स्कूलों की कोई कमी नहीं है, अच्छे से एक से बढ़कर एक है, पर जब हमें है ही नहीं था, हम क्या बोले, किसी के ऊपर क्या टिप्पणी करनी है। हम तो अभी शुरुआत की है एक अच्छा ग्राउंड से, अच्छी अकेडमी से, अगर हमारा रॉयल सैनिक बोर्डिंग स्कूल जहाँ बनता है, हमारे को बहुत खुशी है। इसके लिए मैं खास करके जो है अपने एमडी साहब को और मैडम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने ये संघर्ष किया है शुरू से और इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं देखता हूँ छोटी सी उम्र है, कितनी उम्र है इसकी, सुनील जी, और फौज का क्या रैंक लेकर आया है, और देखो उधर से ही अभी इनके बटालियन के साहब बोल रहे थे कि मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरीके से, और उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया, दो चार बच्चे भी शुरू में एडमिशन उन्होंने कराए जहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि जो दूसरा आदमी बोलेगा तब पता चलेगा ना सुनील कमांडो क्या है, ऐसे क्या पता चलता, वो तो बेचारा कभी बोलता भी नहीं, चलता फिरता, कभी बात नहीं फालतू करता, उतनी बात करता है जितनी जरूरत की है। तो जो कमांडर होते हैं वो ऐसे रहते हैं, कमांडिंग ऑफिसर है जो बहुत बाकी काम चलते हैं, कमांडिंग ऑफिसर मौका संभालते हैं कहाँ क्या करना है क्या नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ स्कूल के संबंधित में हम लोगों को भी घसीट रखा साथ में, स्कूल के संबंधित में अभी हम पब्लिक के बीच में गए हैं, और जो फैसिलिटी कांगड़ा जिला में किसी स्कूल में नहीं है, जो स्कूल में कहीं है वह तो ऐसे ग्राउंड नहीं है, और ऐसे ग्राउंड है तो वहाँ मेंटेन नहीं है, मेंटेन कोई नहीं करता है, कौन पूछता है इतना। वो जो आर्मी फैसिलिटी टाइप इन्होंने जो ग्राउंड बना रखा है साफ सुथरा, डे टू डे इन बच्चों को भी काम करना पड़ता है, जब जहाँ पर एडमिशन होते थे जो पहले बता देते हैं, जहाँ पर तो कहाँ काली रोटी नहीं मिल रही, दौड़ गया और एक्सीडेंट मार लीजिए, पहले आपको जहाँ वर्क करना पड़ेगा, जैसे ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं शुरू में, हमारे रिक्रूटी एग्जाम जो प्री ट्रेनिंग है, जहाँ पर जहाँ से ट्रेनिंग ठीक होगी तो मेरे को लगता है कि फिर प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी। और जो बच्चे जहाँ से ट्रेंड होकर जा रहे हैं इस ग्राउंड से, इस ग्राउंड के साथ साथ हम समय समय पर जो रह रहा बड़ा स्टेडियम है, मैं रैम स्कूल में भी बताना चाह रहा हूँ 3.5 साल, तो वो भी रैम स्कूल का ही है, और वो जो बड़ा स्टेडियम है, कई लोग पहले भाई बड़ी ट्रेन करते थे प्रैक्टिस, अभी से जे इतना बड़ा बनाया है, और एक छोटी मोटी जगह नहीं, आम आदमी नहीं बना सकता, पैसे से भी दिमाग नहीं है तो क्या करेगा इंसान, पैसा भी हो गया दिमाग नहीं है, लड़ाना नहीं चाहता, और पैसा है हम खर्च नहीं कर सकते उसको, तो नहीं कर सकते तो क्या फायदा हो उसका दिमाग का। इनके बाद टेक्निकल माइंड है, अभी देखो आप जहाँ से अकेडमी, जहाँ अकेडमी बना दी है और उसको स्कूल बना दिया है, और साथ साथ में बिहार का गाँव का अपना नर्सिंग से लेकर इन्होंने 10th तक जो है परमिशन ली है,
अभी भी परमिशन का काम जो है इनका चल रहा है। तो अभी लोग, मैं भी देखा था दो चार गाँव में, मैं भी इनके साथ गया, मैं देखा, अपना एक्सपीरियंस देखा, पब्लिक को देख रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि इधर इतनी स्ट्रेंथ आएगी, इतने बच्चे दाखिल होंगे कि मैं बोल रहा था सुनील जी को कि आप इसे संभालना मुश्किल हो जाएंगे, संभालना आपका काम रहा, बच्चे तो आ जाएंगे इधर पर। और जो रैम स्कूल खुले हैं छोटे छोटे, एक एक शटर की दुकान में जो स्कूल खुले थे, आज देखो कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये तो एक हमसे सोगे, एक युवा तो है नहीं, पैसा डालना है पड़ता है, आस्ते आस्ते निकलने। हम सोचें कि एक मिनट में सब कुछ कर लें, अभी एकेडमी का नाम अभी ऊंचा होने लगा, अभी 8-10 साल हो गए एकेडमी किए हुए चले हुए, तो काफ़ी लोगों को पता चल गया। मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर इन्होंने मेरे को लगता है दूसरे कंट्रियों तक भी छोड़ रखा, पूरा मैसेज आ रहा है जहाँ। और तभी अभी देख रहे हैं, अभी लड़कियाँ जो प्रोग्राम कर रही हैं, ये लड़कियाँ कहाँ की हैं, एक लड़की शालू है, कहाँ शालू, और ये लड़की देखो, ये लड़की है अपनी मंडी से है, तो इसका भी माँ बाप ने छोड़ा है, उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया, उनको भी रात को नींद आती होगी, हमारी बेटी जवान वहाँ रह रही है, तो क्या अभी इन्होंने मेंटेन किया होगा, नाइट बोर्डिंग है, लड़के भी रह रहे हैं। ये दूसरी लड़की है शिमला की है, पलक है, ये भी ये शिमला से है। तो वैसे आपको जहाँ से डांस करके दिखा दिया उन्होंने, और सारे चेंज कर दिए, इधर का उधर, उधर का उधर चेंज कर दिया है। तो ये तो मेरा कहने का मतलब, ये बच्चे जो बाहर से रह रहे हैं, शिमला से, मंडी से रह रहे हैं, और बाकी तो मैं लंबी नहीं बताऊँगा, जिनको मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, मैं जहाँ पर आता रहता हूँ अकेडमी में, अभी स्कूल खोल रहे हैं, मैं भी इनको गाइड करता रहता हूँ जितना तो मेरा हिम्मत है। स्कूल के बारे में मेरे को पूरा नॉलेज रहता है, कोई मैं मेरे को कई बोलते हैं कि आप स्कूल खोलना, मैं स्कूल में पूरी उम्र स्कूल ही खोलता रहूँगा, वो स्कूल खोलने की भी उम्र होती है, कोई काम करने का कोई टाइम होता है, एकदम हम बुढ़ापे में जाकर कोई काम कर लें उसके बाद जाने वाला टाइम होता है, उस टाइम भगवान का नाम लेना है कि स्कूल खोल लें। तो इस करके जो है बातें बहुत होती हैं। अभी 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 अपना आपके पास धर्मवीर SDO साहब कपूर से आएंगे हमारे ऊपर, ये भी मैं थोड़ा इनके, ये इनका जो आया थे चाचा जी थे कामरेड रामचंद्र के नाम से, जो रैंस बड़ा स्कूल चलता है, और ये सारा स्टेडियम स्टूडियम ये सारा ही कपूर साहब की देन है। जब वो कपूर और जो अपने कामरेड रामचंद्र थे वो चमराल के बेसिकली रहने वाले थे, वो जहाँ ही पैदा हुए थे, आज देख लो कब वो थे, है अभी स्वर्ग में है, अभी देखो उनके बच्चे बाहर कंट्री में रह रहे हैं, और जो SDO साहब जो है रह रहे हैं बिजली बोर्ड से रिटायर है, और ये समाज सेवी हैं, इनका जो काम है सेवा करना, और खास करके जो फोर्स करेंगे आपको पर्यावरण के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर देखो इन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट ये इलाका जो है, मैं जब भी रहन में प्रिंसिपल था मैं साहब को हमेशा ही याद करता था, हर प्रोग्राम में इनको आगे रखता था, क्यों कामरेड रामचंद्र के भतीजे हैं और ऑफिसर तो है ही है। तो एक इधर चले हैं 76 में DAV स्कूल की तरफ, इन्होंने ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लगा रखे, कब जी उनको पानी देते थे, कब बाढ़ लगाते थे, मैं पीछे गया था उधर घूमने देखने सुनने, तो मैं देखा कि सारी हरियाली बन गई है, सारी चांदी बना रही एरिया पर्यावरण। तो जब हम ऑक्सीजन तभी मिलेगी ना जब आप पेड़ों को नहीं काटेंगे, जब पेड़ों को काटना शुरू कर दिया तो जमीन भी गिरने शुरू हो जाती है, यही मेन होता है, जो ज़्यादा करके जो है बरसात बारिशें ज़्यादा होती हैं उस टाइम इसका गिरने का ज़्यादा मकान गिरते हैं। जब हम पेड़ों को काटेंगे छोड़ेंगे कुछ नहीं है तो हमारे को पर्यावरण कहाँ से मिलता है। इस करके मैं ज़्यादा समय आपका ना लेता हुआ स्कूल के संबंधित मैं आपको, हमने काफ़ी लोगों को मैसेज दे दिए है कि जहाँ भी बच्चों ने अपनी नर्सरी से लेकर 10th तक तो हमने स्टार्ट कर देना है, और 1 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएगी। और स्कूल में जो बताया मैंने सुनील जी को, जो हमारे MD है, मैंने इनको ये बोल दिया है कि आपने स्कूल चलाना है तो हाई फाई टीचर रखने पड़ेंगे, क्वालिटी होगी जिनके अंदर, और VA रखने हैं तो VA टेट क्लियर होने चाहिए, जिसका टेट क्लियर है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका पास है, मेरे को लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भी उसके टीचर को पढ़ाने में। जो टेट क्लियर कर साइंस का रखना है, MSc साइंस मैथ रखना है, और तनख्वाह के बारे में मैं बोला जब टीचर रखेंगे तनख्वाह के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, और तनख्वाह के पीछे 1-2 हज़ार डाउन रख लिया, 2 हज़ार अप रख लिया, तो उसके मानसिक में रहेगा कम रखेगा, मेरे को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, दूसरे महीने बदली हो जाएगा, दूसरे स्कूल में चला जाएगा। तो जब हमने शुरू में स्कूल खोलना आता है थोड़ा हमारे को घाटा भी खाना पड़ता है, कमियां भी आएंगी, उनको भी एडजस्ट करना है, पर कि थोड़ा दिल नहीं छोड़ना है, तो अच्छे टीचर रखेंगे, मेहनत तो होगी उनकी, वो जो टैट वाले क्लियर मिल जाएंगे, इंग्लिश टीचर को ऐसा होना चाहिए जो माहौल बनाए, क्यों जिस नाम स्कूल का नाम सैनिक है, सैनिक स्कूल मतलब आप समझ ही लो,
सैनिक जिसके आगे लग गया, जहाँ से बच्चे तैयार होकर जो आगे बेच सकते हैं, और उधर से बच्चा को रहा शुक्र है, वो भी विजय पढ़ना चाहता है, जैसे इन्होंने बताया था कि इसने सैनिक स्कूल में पढ़ना है, तो जहाँ भी वो आ सकता है। इधर तो कई चले जाएंगे, कई आते हैं, कई चले जाते हैं, तो दरबार जी खुला है। तो मेरी ये सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को लोगों तक पहुँचाया जाए कि जहाँ जो मेरी मैं भी बात कर रहा हूँ, जो भी मीडिया तक जाएगी तो पता लग जाएगा लोगों को कि कैसा स्कूल है। और मेरे को लगता है कि ऐसा जो ग्राउंड है और सारी प्ले का इंतजाम है, और इंडोर भी आप बना रहे हैं, अभी इंडोर भी गेम्स के लिए बना रहे हैं छोटे बच्चों के, खास करके नर्सरी एलकेजी यूकेजी के लिए। सबसे बड़े निर्माता वो होते हैं जो बच्चों को हाथ में पेंसिल पकड़ा देते हैं, क ए लिखाना शुरू करते हैं। हमने छड़ी में अंग्रेजी ABC, आज छड़ी आज नर्सरी में अंग्रेजी बोल रहे हैं बच्चे, अंग्रेजी लिखना शुरू कर दो। तो ये काफ़ी हमारे को कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, सभी का सहयोग लेना पड़ेगा। और सबसे पहले हमारे को मिंता पंचायत का तो मेन सहयोग चाहिए, जिस पंचायत में ये स्कूल खुल रहा है तो उनके लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरीके का सैनिक स्कूल, वो भी अभी डे बोर्डिंग खोल रहे हैं। मैं तो बोला कि दूर से बच्चे आ जाएंगे, फिर आप कहाँ रखोगे, उसी तरीके से जो बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी है कि नाइट में भी वो बच्चे रहने चाहिए, और एक से एक बढ़िया इनको खाना मिल रहा है। हम कभी आते हैं चेक करते हैं खाना भी, तो खाना खाते हैं तो इन्होंने परमानेंट दो बंदे रखे हुए, ये सोचेंगे कि दो बच्चे रह गए अकेडमी में तो क्या कुक चले जाएंगे, रोटी कौन बनाएगी, ये खुद बनाएगा, जब मैडम रोटी बनाएगी कौन रोटी बनाएगी, रोटी बनानी है। अब उनको मेरे को लगता है 15-15, 20-20 हज़ार रुपया दे रहे हैं आज से, मेरे को लगता है 7-8 साल पहले से रखे हुए, तो उनको चाहे बंदा रहे या ना रहे, चाहे शाम को दोनों खानी पड़ जाए, ठीक है। और इस करके जो है जे जहाँ खाना अच्छा मिलेगा तो कुदरती बच्चे आएंगे, ये बच्चे अभी जहाँ पर हैं तो बच्चे बोल रहे हैं कि अच्छा खाना मिलता है, 2-4 रुपये तो मैं भी चिकन खा गया हूँ, मुझे भी अच्छा लगा है, और खास करके इनकी मीट की तरी बहुत सी टेस्टी रही है चिकन की। तो जो दो बंदे हैं बहुत अच्छे हैं, इनका मैनेजमेंट अच्छा है, अपना कुकिंग इनका अच्छा है। मैडम अपनी नीलम पठानिया जी हैं, बहुत मेहनत करती हैं, चली रहती हैं सुबह दोपहर शाम, क्यों पठानिया जी को समय नहीं होता। अभी MD का होता है मैनेजमेंट करने, इन्होंने मैनेज करना है, बिल्डिंग बनानी है, काम हो गया, हाँ कुर्सियों का मेज का, और मैडम वो बोला जो अभी पहले मैडम तो पत्नी थी, अभी तो बन गई है अध्यक्ष, वो भी स्कूल की अध्यक्ष, अकेडमी की अध्यक्ष, तो इनका अहदा बहुत बड़ा हो गया है। कुदरती बात होती है, अपने आदमी के पीछे सब कुछ होता है। तो मैडम MD नहीं रह सकती क्योंकि MD का काम नहीं करवा सकती, मुझे पता है वो बिल्डिंग थोड़ी बनवाएगी, तो बिल्डिंग बनवाना तो है सुनील पठानिया जी का काम है, और मैडम जी हैं वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बाकी काम देखेंगे। इसके साथ ही मैंने सुनील जी को सजेस्ट किया स्कूल के लिए एक प्रधानाचार्य की जरूरत है, वैसे तो हम चला लेते हैं मोटा मोटा काम जो चलने वाला है, बल्कि जहाँ पर एक प्रधानाचार्य की जरूरत है, और प्रधानाचार्य भी लेडी हो तो और भी बड़ी अच्छी है, लेडी इसका करके हमारे पास 7-8 टीचर आते हैं, तो ठीक है कंट्रोल ओवर दम, उनके ऊपर अच्छा कंट्रोल सकती है, बोल सकती है, डांट सकती है, फुटकार सकती है। जे चेयरमैन की ड्यूटी नहीं है डांटना की जे पढ़ा नहीं रहे तुम्हें, चेयरमैन मैडम का काम नहीं है, ना MD का काम है कि जे आप काम करें, उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं, MD भी कर सकते हैं, चेयरमैन भी मीटिंग कर सकते हैं कि मैडम ऐसे नहीं ऐसे, पर किसी भी टीचर को क्लास में जब चलते फिरते डांटना नहीं, जे डांट दिया तो दूसरे दिन टीचर सारे एकदम क्या बना लेते हैं, गेम बना लेते हैं अपनी, बोलते हैं नहीं नहीं कल आते नहीं छुट्टी करते हैं, तो देखते हैं। इस करके जो है अच्छे टीचर रखेंगे, और प्रिंसिपल मैडम रखने के लिए मैंने बोला कम से कम 10-15 साल का तजर्बा चाहिए, जो हेड पर बैठा हेडकुट चेयर पर बैठानी है, क्यों कल को उसने इंटरव्यू भी कंडक्ट करने है, अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए और 10 साल का तजर्बा होना चाहिए, कम से कम किसी पुराने स्कूल में प्रिंसिपल होनी चाहिए, बाकी चलाने में तो सब कुछ चल जाता है, कुछ ज़्यादा तेज तरार बोर्ड ही इसके लिए टाइम लगता है, नहीं तो हम जो सोच रहे हैं कि स्टेज में आकर 4 शब्द बोलते नहीं बोले जा सकते, ये तजर्बा होता है, जैसे जैसे हम आते जाएंगे स्टेज पर, सुनील जी ने अभी भाषण दिया प्रेज भर प्रशंसनीय भाषण, और इतनी मैं सोचता हूँ इतना सीख, हम भी यूट्यूब में देखते रहते हैं, पर यूट्यूब में भाषण देना वो वहाँ पर अकेला ही होता है, अब इधर जो भाषण दिया सबके सामने होता है, तो इससे क्या होता है दिल बढ़ जाता है कि मैंने वो किया, उसने प्रेज किया, उसने किया, जो अच्छा कहा सारे उसकी प्रेज करेंगे, प्रशंसा करना है तो प्रशंसा। इस करके मैं अंत में आप सभी का, आपने काफ़ी समय सुनील पठानिया जी को जहाँ पर दिया है, और थक भी गए हैं, और खाने का भी अभी समय हो रहा है, अभी हम मौका देंगे मुख्य अतिथि श्री धर्मवीर कपूर XXXDO RM
धन्यवाद। जय हिंद, जय चमराव।